नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह एक और मंदिर का शिलान्यास कर सकते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्मरणीय बाबा सोमनाथ की आदि शक्ति देवी पार्वती मंदिर का वर्चुअली शिलान्यास किया जाएगा। मंदिर के शिलान्यास के साथ प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर परिसर के चारों ओर बनाए गए परिपथ का लोकार्पण भी कर सकते हैं। सोमनाथ मंदिर परिसर में 21 करोड़ रुपए की लागत से सफेद संगमरमर से देवी पार्वती के मंदिर निर्माण का शुभारंभ 9 अगस्त को अमान श्रावण मास की शुरुआत से हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के बिल्कुल किनारे है। यहाँ से लहराते हुए सागर का नजारा बहुत सुंदर लगता है। इसे और दिलकश बनाने के लिए सरकार ने 45 करोड़ रुपए की लागत से 1.25 किलोमीटर लंबा वॉक वे बनाया है। यहाँ टहलते हुए पर्यटक, श्रद्धालु और स्थानीय लोग मंदिर के दिव्य वातावरण और निसर्ग की गोद का आनंद एक साथ उठा सकते हैं। मंदिर की घंटों की गूंज और सागर की गरज एक साथ एक दो बार नहीं बल्कि 17 बार विध्वंस के बाद आजादी के बाद देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में 8 मई 1950 को सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। वहीं देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को यहां ज्योतिर्लिंग की स्थापना कराई और 1 दिसंबर 1955 को इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को अगली किस्त सोमवार यानी कि 9 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जारी करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी एक विज्ञप्ति में इसकी सूचना दी गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसे 9.75 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों को 19,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएगी। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के साथ बातचीत भी करेंगे और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत किसान परिवारों को 6,000 रुपए हर साल दिए जाते हैं। ये 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। इस योजना के जरिए अब तक 1.38 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि किसान परिवारों को भेजी जा चुकी है, जिससे किसानों का काफी फायदा हुआ है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, और पीएम किसान खातों में 2,000 रुपए की किस्त जो है वो भेजेंगे। तो करोड़ों किसानों को इससे फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि 6,000 रुपए किसान परिवार को दिए जाते हैं जो कि 3 आसान किस्तों में भेजे जाते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों से सीधे संवाद भी कर सकते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव इस बार बेहद खास है। दीपोत्सव में अयोध्या सज संवर कर दुल्हन की तरह तैयार होती है। इस बार दीपोत्सव एक सप्ताह तक मनाने की तैयारी है अगर सब कुछ ठीक रहा तो। योगी सरकार अयोध्या में 5वीं बार दीपोत्सव मनाने की तैयारियों में जुटी हुई है। इस बार का दीपोत्सव और भी भव्य और दिव्य मनाया जाएगा। अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं और साफ सुथरी अयोध्या दिखेगी, जिसके लिए नगर निगम ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। इतना ही नहीं, अयोध्या की मुख्य सड़कें और मंदिरों, मूर्तियों के शहर की गलियां भी दीपोत्सव के लिए तैयार की जा रही हैं। नगर निगम दीपोत्सव के पहले अयोध्या की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। अयोध्या को उसकी गरिमा के अनुरूप विकसित करने के लिए जहां योगी सरकार ने तमाम योजनाएं चला रखी है जो लगभग पूरी हो चुकी है या पूरे होने वाली है। इसको लेकर भी कहा जा सकता है कि अयोध्या में एक बार फिर से दीपोत्सव जो है वो बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। ऐसा 5वां मौका होगा जब योगी सरकार दीपोत्सव मनाने की तैयारी में जुटी हुई है। इससे पहले भी दीपोत्सव की खास तस्वीरें हमने देखी है जिसकी चर्चाएं विश्व स्तर पर हुई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर तलाशी ली है। एजेंसी सीआरपीएफ के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर के कई जिलों में कई जगहों पर तलाशी कर रही है। हालांकि अभी अधिकारी मामले की जानकारी शेयर करने पर चुप्पी साधे हुए हैं। एजेंसी के एक सूत्र ने कहा है कि आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात इस्लामी के वरिष्ठ सदस्यों से जुड़े परिसरों की तलाशी लगातार ले रही है। कम से कम 40 स्थानों पर तलाशी चल रही है। हाल के दिनों में एनआईए ने 2 अलग अलग मामलों में अलग अलग जगहों पर तलाशी ली है और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है।
एक दिन पहले एनआईए ने बेंगलुरु में डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस स्टेशन हमले के मामले में 7 स्थानों पर तलाशी ली थी। एजेंसी ने मामले में 7 फरार आरोपियों के परिसरों में बेंगलुरु में 7 स्थानों पर तलाशी ली थी जो कि मामले में आरोपित है। तलाशी के दौरान फरार आरोपियों के परिसरों से कई आपत्तिजनक दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए। 2 मामले मूल रूप से क्रमशः डीजे हल्ली और केजी हल्ली पुलिस थानों में दर्ज कराए गए थे जो 11 अगस्त 2020 को एक घटना से संबंधित रखते हैं। तो 15 अगस्त से पहले एनआईए पूरी तरह से तैयार है, खुफिया एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ सेना के जवान पूरी तरह से गश्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की पुलिस है वो भी पूरी तरह से सर्च ऑपरेशन चला रही है। तो आतंकी फंडिंग मामले में सीआरपीएफ पूरी तरह से सख्त है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी लगातार देखी जा रही है। लालू प्रसाद यादव के परिवार में एक बार फिर से शीत युद्ध देखने को मिल रहा है। इस बात की पुष्टि तब हो गई जब छात्र आरजेडी की तरफ से पटना की सड़कों पर नजर आए और जो पोस्टर लगाए गए हैं उसमें तेज प्रताप के साथ तेजस्वी की तस्वीर गायब दिखी। इस पोस्टर में लालू और राबड़ी की तस्वीर तो दिख रही है लेकिन तेजस्वी कहीं नहीं दिखाई दे रहे। ये पोस्टर सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि पटना में पार्टी दफ्तर पर भी लगाए गए हैं। बता दें कि तेज प्रताप ने छात्र आरजेडी की बैठक बुलाई है जिसमें संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को उपस्थित रहने का आदेश जारी किया गया है। इसी उपलक्ष में तेज प्रताप के समर्थकों ने पटना में कई जगहों पर पोस्टर लगाए हैं जिसमें तेजस्वी यादव को जगह नहीं दी गई। हालांकि इन पोस्टर्स पर लालू यादव और राबड़ी देवी मौजूद हैं। यहां तक कि छात्र आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष आकाश यादव की भी तस्वीर लगी हुई है लेकिन तेजस्वी यादव की तस्वीर इसमें से गायब है। ऐसे में बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां जो है वो काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है और कई ऐसे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कयास लगा रहे हैं कि लालू के परिवार में अब भी जो शीत युद्ध है वो बरकरार है। दोनों भाइयों के बीच जो शीत युद्ध पहले का बना हुआ है उसमें अब भी कोई भी भरपाई नहीं हो पाई है। अभी भी वो दरारें जो हैं वो बढ़ी हुई नजर आती हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए चल रही सरकारी मीटिंग में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के गोवा ट्रिप पर जोरदार चुटकी ली। राज्य में आपदा प्रबंधन और बाढ़ के हालात को लेकर सीएम अशोक गहलोत अपने मंत्रियों और अफसरों के साथ समीक्षा कर रहे थे। दरअसल गहलोत ने रघु शर्मा का नाम पुकारा तो गोवा से ही मीटिंग में जुड़े हुए रघु शर्मा ने फौरन सीएम का अभिवादन किया। आगे गहलोत मुस्कुराते हुए बोले कि आप अकेले ही जाकर आ गए, हमें भी ले जाते, पिछले 1.5 साल से हम भी घर में बंद हैं। दरअसल रघु शर्मा पिछले कई दिनों से गोवा की ट्रिप पर गए हुए हैं और गहलोत ने उसे लेकर ही रघु शर्मा की चुटकी ली। गहलोत की बात पर रघु शर्मा ने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि सर सब आपकी अनुमति से ही हुआ है। रघु शर्मा आगे बोले कि रविवार शाम तक जयपुर लौट आएंगे लेकिन आवाज साफ ना हो पाने के चलते गहलोत को लगा कि रघु शर्मा बोल रहे हैं कि वो बीते दिन ही जयपुर आ चुके हैं। तब सीएम को नजदीक खड़े अफसर ने बताया कि मंत्री रघु कह रहे हैं कि वो कल यानी कि रविवार को जयपुर आ जाएंगे। इस पर गहलोत बोले कि अच्छा कल आएंगे तो ठीक है, आप परसों समीक्षा बैठक कर लीजिएगा। टोक्यो ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। एथलेटिक्स में भारत के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा सोमवार शाम 5 बजे इंडिया वापस लौटेंगे। ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम भी सोमवार शाम 5 बजे ही इंडिया वापस लौटेगी। तो ऐसे में एयरपोर्ट पर नीरज चोपड़ा और भारतीय हॉकी टीम का भव्य स्वागत देखने को मिल सकता है। शनिवार को नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा। नीरज चोपड़ा से पहले तक कोई भी भारतीय एथलीट में मेडल नहीं जीत पाया था। इतना ही नहीं, टीम इवेंट के अलावा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। भारतीय हॉकी टीम ने भी ओलंपिक खेलों में शानदार प्रदर्शन किया। जर्मनी जैसे मजबूत टीम को हराकर भारतीय मेंस हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम करने में कामयाब रही। 1980 के बाद ये पहला मौका है जब भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में कोई मेडल हासिल हुआ हो। ओलंपिक में मिला ब्रॉन्ज मेडल देश में दोबारा से हॉकी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। तो सोमवार को भारत पहुंचेंगे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, इसके साथ ही ब्रॉन्ज टीम यानी कि भारतीय हॉकी टीम भी साथ होगी। तो ऐसे में एयरपोर्ट पर इनके भव्य स्वागत की तैयारियां देखी जा सकती हैं। इसके अलावा तमाम जो इनामी राशियां हैं वो इनको दी जा रही हैं। इनके भव्य स्वागत को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इनके गांव में आसपास के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा
खुश नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ देश का हर व्यक्ति इन पर गर्व करता हुआ नजर आ रहा है। टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय थ्रोअर नीरज चोपड़ा पर इनामों की बारिश हो रही है। पानीपत के स्टार खिलाड़ी को हरियाणा सरकार ने 6 करोड़ रुपए इनामी राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्हें राज्य सरकार की ओर से A1 कैटेगरी की जॉब भी मिलेगी। हरियाणा सरकार के अलावा अब IPL की चैंपियन फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए की बड़ी इनामी राशि देने की घोषणा की है। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐलान करते हुए अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि नीरज चोपड़ा के शानदार ऐतिहासिक उपलब्धि और सम्मान के स्वरूप में CSK नीरज को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दे रहा है। इसके अलावा CSK ने नीरज के सम्मान में 8758 नंबर के विशेष जर्सी भी बनाने का ऐलान किया है। दरअसल भारत के एक एथलीट ने टोक्यो ओलंपिक के फाइनल में 87.58 मीटर का विशाल जेवलिन थ्रो करते हुए गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा किया। नीरज व्यक्तिगत रूप से भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले भारत के दूसरे खिलाड़ी हैं। नीरज के पहले शूटिंग में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड जीता था। चेन्नई सुपर किंग्स के प्रवक्ता ने कहा है कि पूरे देश को नीरज पर गर्व है। टोक्यो ओलंपिक में उनका प्रदर्शन लाखों भारतीयों को ये खेल अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। खेल के किसी भी विषय में उच्चतम स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए उनमें विश्वास पैदा करेगा। साथ ही ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए इतिहास रच दिया है और एक बार फिर से वो खुद तो गोल्डन बॉय बनी ही है और ओलंपिक्स में भारत का नाम भी सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर अब स्थिर है। देश में हर दिन करीब 40,000 नए मामले बढ़ रहे हैं। रविवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 39,070 नए कोरोना केस आए हैं और 491 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 43,910 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि कल 5,331 एक्टिव केस कम हो गए हैं। अगस्त में तीसरी बार है जब कोरोना के मामले 40,000 से कम दर्ज हुए हैं। इससे पहले 2 अगस्त और 6 अगस्त को 40,000 से कम केस आए थे। 1 अगस्त को 40,134, 2 अगस्त को 30,000 से ज्यादा, 3 अगस्त को 42,000 से ज्यादा, वहीं 4 अगस्त को भी 42,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। 5 अगस्त को 44,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। 6 अगस्त को 38,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए थे। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,19,34,000 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 4,27,862 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि 3,10,99,000 लोग ठीक हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या अभी भी 4 लाख से ज्यादा है। कुल 4,06,000 लोग अब भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो कोरोना एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। दूसरी लहर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। तीसरी लहर को लेकर विशेषज्ञ डॉक्टर्स लगातार चेता रहे हैं, ऐसे में सावधान रहने की जरूरत है, सुरक्षित रहने की जरूरत है। कालाडूंगी विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख मनोज पाठक ने सूबे की आमजन को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक करने और प्रधानमंत्री मोदी की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए वैक्सीन लगानी है जरूरी है लघु फिल्म का शुभारंभ किया, जिसमें उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोरोना मुक्ति मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भारत के सभी देशवासियों को मुफ्त कोविड टीकाकरण के लिए लघु फिल्म जारी कर जन जागरूकता और जनहित में संदेश दिया है। इस फिल्म का फिल्मांकन कालाडूंगी विधानसभा में किया गया। फिल्म के डायरेक्टर प्रेम गोस्वामी और कैमरामैन गणेश जोशी और प्रोड्यूसर पूर्व प्रदेश प्रशिक्षण प्रमुख और समाज सेवी मनोज पाठक हैं। इस फिल्म में 50 स्थानीय कलाकारों ने अपनी कलाकारी की भूमिका निभाई है। फिल्म का मुख्य उद्देश्य जनता को कोविड टीकाकरण के प्रति जागरूक करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुफ्त वैक्सीन को आगे बढ़ाना है। तो मनोज पाठक ने लघु फिल्म का शुभारंभ किया है। वैक्सीन लगानी है जरूरी, इस फिल्म का टाइटल है और इस फिल्म में करीब क्षेत्रीय जो कलाकार हैं उन्होंने काम किया है। इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए है। जो मुहिम छेड़ी गई है कि हर व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे, इसको लेकर ये लघु फिल्म बनाई गई है। कालाडूंगी की ये खबर है जहां पर फिल्म बनकर तैयार है।
भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जिस तरह से देश के करोड़ों करोड़ लोगों के लिए मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध कराई है और उस वैक्सीन लगवाने के लिए कोरोना को बिल्कुल मुक्त बनाने के लिए पूरे भारत देश को वैक्सीनेशन के लिए आज हमने एक लघु फिल्म जन जागरूकता के लिए जनहित में जारी की है। मैं समझता हूँ जितने लघु फिल्म बनाने वाले कलाकार हैं हमारे और बनाने वाले जिन्होंने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे देश, पूरे उत्तराखंड, इस कालाढूंगी विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी बहुत बहुत बधाई। वैक्सीन लगानी है, जरूरी है। एक लघु फिल्म का निर्माण आज हमारे बड़े भाई साहब श्री मनोज पाठक जी द्वारा किया गया है। इसमें 40 से 50 कलाकारों ने काम किया है, इसके लिए गीत बनाया गया है और मैं मानता हूं कि ये सोशल मीडिया में हर जगह जाकर लोगों को प्रेरित करेगा वैक्सीनेशन के लिए और लोगों को वार्न करेगा थर्ड वेरिएंट के लिए। थैंक यू वेरी मच। सरोवर नगरी नैनीताल में कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के संयुक्त कर्मचारी महासंघ के देहरादून में हुए चुनाव में विजयी नवनियुक्त पदाधिकारियों का कुमाऊं मंडल विकास निगम कार्यालय नैनीताल में फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष दिनेश गुरानी, जो कि लगातार 26वीं बार महासंघ के अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने बताया कि अधिवेशन के बाद निर्वाचित कार्यकारिणी ने मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री से मुलाकात कर निगम में लंबे समय से काम कर रहे कर्मचारियों के नियमितीकरण, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल को निगम को आर्थिक रूप से मजबूतीकरण के लिए 50-50 करोड़ रुपए देने के साथ ही खनन कार्य को निगम को सौंपने सहित लंबित मांगों का निस्तारण करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि जल्द ही उनकी मांगों का समाधान किया जाएगा। इधर कर्मचारी महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कंचन चंदौला ने कहा है कि कर्मचारियों के हित में कार्य कर संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे, किसी भी कर्मचारी का शोषण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कहते हैं कि किसी भी स्थिति में दोनों निगमों को पीपी मोड पर जाने नहीं दिया जाएगा, चाहे उसके लिए संघर्ष करना पड़े, सभी कर्मचारी एकजुट होंगे। कार्यक्रम में मौजूदा संयुक्त कर्मचारी महासंघ के कई लोगों ने अपनी बात रखी है। ये संयुक्त कर्मचारी महासंघ कुमाऊं मंडल गढ़वाल मंडल विकास निगम के जो वार्षिक अधिवेशन देहरादून में हुआ था उसमें मुझे 26वीं बार अध्यक्ष बनने का उन्होंने अवसर दिया और साथ ही साथ हमारी पूरी कार्यकारिणी को भी अवसर दिया और हमारी कार्यकारिणी जो नवनिर्वाचित कार्यकारिणी थी वो कार्यकारिणी माननीय मुख्यमंत्री जी से देहरादून में मिली, माननीय पर्यटन मंत्री जी से देहरादून में मिली और माननीय मुख्यमंत्री जी और पर्यटन मंत्री जी के समक्ष हमारे निगम में जो लंबे समय से दैनिक वेतन में दोनों निगमों में काम कर रहे हैं उनके नियमितीकरण के संबंध में निगम को आर्थिक रूप से मजबूती के लिए 50 करोड़ रुपया कुमाऊं मंडल और 50 करोड़ रुपया गढ़वा मंडल को देने के लिए, साथ ही साथ खनन एफ2 का कार्य निगम को सौंपने के लिए सहित जो लंबित मांगें थी उनके समाधान के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और पर्यटन मंत्री जी से मुलाकात की और उन्होंने अपनी मुलाकात में उन्होंने हमको आश्वस्त किया कि शीघ्र आपके समस्याओं का समाधान। नैनीताल के राजकीय इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय जनसमस्या निवारण शिविर में एसपी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत भूना में 47 लाख की धनराशि से निर्मित पेयजल योजना का लोकार्पण उपाध्यक्ष पीसी गोरखा और विधायक संजीव आर्य की तरफ से संयुक्त रूप से किया गया। शिविर में मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट और कोरोना संक्रमण बचाव किट बांटे गए। अपने संबोधन में अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने कहा है कि सरकार की योजनाओं से कोई लाभार्थी वंचित ना हो। उन्होंने कहा कि 18 अगस्त को सिमलखा में शिविर लगाने के निर्देश अधिकारी को दिए गए हैं ताकि सभी के राशन कार्डों को ठीक और ऑनलाइन किया जा सके। शिविर को संबोधित करते हुए विधायक संजीव आर्य ने कहा है कि क्षेत्र की सभी समस्याओं का प्राथमिकता निर्धारित करते हुए निस्तारित किया जाएगा। आर्य ने कहा गुना पेयजल योजना से हर गुना गांव के घरों में पेयजल संयोजन दिया जाएगा जिसके लिए 13 लाख की धनराशि स्वीकृत हो चुकी है और जिसका टेंडर भी हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से संचालित कई विभागों की तरफ से लाभपरक योजनाओं का जागरूकता होकर लाभ उठाए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं के अंतर्गत जो कार्य हो रहे हैं उनकी गुणवत्ता पर पैनी नजर रखें ताकि योजना विकास कार्य धरातल पर उतरे और जनता को उनका लाभ भी मिल सके। तो पेयजल योजना का लोकार्पण किया गया है। विधायक आर्य ने महालक्ष्मी किट बांटे हैं और जो पीपी किट थी वो भी बांटी गई है। हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट
फर्जीवाड़े मामले में जांच अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। डेढ़ महीने से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद पुलिस के एसआईटी एक आरोपी को ही गिरफ्तार कर पाई है। हालांकि पुलिस लगातार आरोपियों के ठिकाने पर दबिश देकर उन्हें गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही है। पिछले दो दिनों से मैक्स कॉर्पोरेट के पार्टनर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उत्तराखंड यूपी दिल्ली के कई ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। एसएसपी सिंथेल अबुदई कृष्णराज एस का कहना है कि एसआईटी की जांच का दायरा काफी बड़ा है, सभी पहलुओं पर विचार करके कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी पर स्टे खत्म होने के बाद पुलिस गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दे रही है। कोरोना जो मुथाला में जो है एसआईटी बहुत अच्छी तरह से जो है जांच कर रही है। इसमें जो है अभी तक जांच में जो है विभिन्न लैब और उसका बीच में जो मिडिल मैन है उसका भूमिका जो है क्लियर करके हमारे पास अहम सबूत मिला है। उससे जो है हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया गया है और माननीय न्यायालय से भी जो भी आदेश है उसको भी स्पष्ट होकर माननीय न्यायालय ने जो है हमें क्लियरेंस भी दे दिया है। उस आधार पर आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। हरिद्वार की हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर आतिशबाजी करने वाला तीसरा आरोपित भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने अभी तक नामजद दो भाइयों अंकुर पाल और विजय पाल को गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरा नामजद आरोपित सुमित चौहान पुलिस की पकड़ से बाहर चल रहा था। पुलिस ने उस पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए कोर्ट से गैर जमानती वारंट लेने की तैयारी में थी। उससे पहले ही मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आज सुबह आरोपित सुमित चौहान को रोशनाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया। एसएसपी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस ने बताया कि उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस प्रकरण में तीन नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन वंदना कटारे के परिवार वाले और कई संगठन मुकदमे में देशद्रोह की धाराएं बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, इसलिए पुलिस की जांच अब भी जारी है। वंदना कटारे के घर पर आतिशबाजी के मामले में गिरफ्तार आरोपितों को जमानत मिल गई है। सिडकू थाने की पुलिस ने दो भाई अंकुर पाल और विजय पाल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में जिला जज विवेक भारती शर्मा की अदालत में विजय पाल की जमानत अर्जी दाखिल की गई। इसमें विजय पाल के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि वंदना कटारे की तरह आरोपित विजय पाल भी हॉकी खिलाड़ी है और गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है। प्रतिद्वंदिता के चलते वंदना के परिवार ने गलत आरोप लगाए हैं। वहीं सरकारी अधिवक्ता ने जमानत का पुरजोर विरोध करते हुए दलील दी है कि विजय पाल ने खेल भावना का भी अपमान किया। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज विवेक भारती शर्मा ने आरोपित विजय पाल की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। मऊ के रानीपुर बहाना क्षेत्र में बीबीपुर गांव में उस समय अफरा तफरी का माहौल हो गया जब चार युवकों ने बाइक पर सवार होकर जमीनी विवाद के चलते एक युवक को गोली मार दी। इस बात की खबर लगते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी खराब हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि महेंद्र नाम का युवक जो रानीपुर शाला क्षेत्र के बीरपुर गांव का रहने वाला है, उसकी पहले से ही पाटीदारों से जमीनी विवाद चल रहा था। जमीनी विवाद का मामला पुराने रहने से पहले दिवाली में 2020 में इनका झगड़ा भी आपस में हुआ था जी। उसमें सभी लोग भी गए थे, उसी पुरानी रंजी से कौन लोग हैं ये? ये आपस में पटीदार हैं दोनों। अच्छा, आपस में दोनों पटीदार हैं। अच्छा, कितने लोग थे आज गोली मारने में? क्या चार लोग थे बता रहे हैं, जैसे चार लोग थे। महेंद्र लड़का सना त्रिभुवन जौलसेपुर थाना रानीपुर का रहने वाला है। इसको चार लोगों ने, जैसा कि बता रहा है, कि दो मोटरसाइकिल से चार लोग इसके गांव गए थे, सुनील, दिनेश और उमेश और एक अज्ञात। सुनील ने गोली मार दी, बाई तरफ कंधे में इसको गोली लगी हुई है, इलाज हो रहा है। बाकी इनके पिताजी की तहरीर दे रहे हैं, उसकी भी कार्रवाई की जा रही है। पहले इन लोगों का गाँव में पहले झगड़ा हो चुका है एक साल पहले, उसमें विपक्ष के एक आदमी की मृत्यु हुई थी और ये सब लोग जेल गए। सब जाने जाने का कोई मामला नहीं है, इन लोगों का आपसी व्यक्तिगत। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।